हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीके सेक्शन की। दोस्तों आपको जैसे पता है, सबसे पहले हमने जो है वो सबसे पहले सीरीज़ स्टार्ट की थी जीके की, देन इंग्लिश की, आज फिर जीके की, और धीरे धीरे हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स की भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन दबाना है। दोस्तों इस सीरीज़ में आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले आपको दिए जाएंगे 16 के 16 क्वेश्चन। आपको वीडियो के एंड में ये बताना है कि आपके 16 में से कितने मार्क्स आए, और जब भी मैं आपको वीडियो को पॉज करने को बोलूँ तब आपको वीडियो को 2 से 3 सेकेंड तक पॉज करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। इसके लिए सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है अजातशत्रु, देन बिंबिसार, सिकंदर, बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार दो बार आ गया है, इसमें होगा बिंदुसार। ठीक है, आप बताइए कि आपका कौन सा सही उत्तर है। वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करें, देन अपना उत्तर बताएं। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर टिक लगा लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। दोस्तों अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स, दोस्तों ये क्वेश्चन खूब खूब आपको जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन आएगा, और जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स लर्न करेंगे उसमें से क्वेश्चन पुट होने के ज़्यादा चांसेस है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या हैं दोस्तों, जो बिंबिसार हैं वो थे हमारे हिस्ट्री के हर्यंक वंश के संस्थापक, और देन हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आए थे अजातशत्रु। ठीक है, इसके जो बाद आए थे वो आए थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद कौन आए थे, वो आए थे उदयन। आपको तीन नाम याद रखने हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिंबिसार कौन थे। बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, देन हर्यंक वंश के संस्थापक थे, उसके बाद गद्दी किसने संभाली, वो संभाली थी अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु के बाद किसने संभाली, वो संभाली थी उदयन ने। ठीक है, अब बात करते हैं सिकंदर, सिकंदर कौन था। दोस्तों सिकंदर जो था वो मैसेडोनियो का एक शासक था। दोस्तों वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, और उसने जो है वो अपने अंतिम सांस मीन्स मरने तक जो है वो विश्व का 15% हिस्सा जीत चुका था। दोस्तों वो जो बंदा था वो पूरे भारत को और पूरे विश्व को अपना बनाना चाहता था और जीतना चाहता था। और दोस्तों जैसे ही वो बंदा भारत में आया, और भारत में हमारे शासक थे पुरु, जिसे बोलते हैं पोरस, भारत में आने के लिए पोरस ने सिकंदर को रोका था। इसके लिए बस आपको इतने से फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है, हमारा सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुई थी वो किस नदी के बीच हुई थी। सबसे पहला है जेलम, बी ऑप्शन है गंगा, सी है कावेरी, डी है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों आपको वीडियो को 2 से 3 सेकंड तक पॉज करना है, देन अपना उत्तर बताना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को 2 से 3 सेकंड तक वीडियो को पॉज किया होगा, देन उत्तर बताया होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है जेलम। दोस्तों इसका भी आपको अलग से फैक्ट याद रखने होंगे। दोस्तों ये फैक्ट हैं, हमारे सिकंदर और पोरस के बीच, दोनों राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, उसको एक अलग से नाम दिया गया है, वो नाम है बैटल ऑफ हाडपियास। ठीक है, बैटल ऑफ हाडपियास, हाडपियास के नाम से ये युद्ध जाना जाता है। और दोस्तों हाडपियास के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जेलम नदी जो है वो यूनानी भाषा में हाडपियास कहलाती है, इसके लिए ये युद्ध बैटल ऑफ हाडपियास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है
अशोक, बी है बिंबिसार, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना होगा 2 से 3 सेकंड तक, देन करिए। उम्मीद करता हूँ आपने सही उत्तर जो है वो लगा लिया होगा टिक, देन मैं अपना सही उत्तर आपको बताता हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसके लिए आपको अलग से फैक्ट याद रखने होंगे। दोस्तों वो फैक्ट है, सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो थे हमारे मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक है, आपको सबसे पहला फैक्ट ये याद रखना है, और मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनके आपको गुरु का नाम याद रखना है। जो इनके गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। क्या था? चाणक्य। और चाणक्य को और किसके नाम से जाना जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, इसके बाद जो सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे, वो थे हमारे बिंदुसार, देन अशोका। कौन थे? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, बिंबिसार नहीं होगा, वो होगा बिंदुसार। बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग है। ठीक है, पहले आया चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आया बिंदुसार, देन आए अशोक। ठीक है, अशोक को जो है वो अशोका दा ग्रेट भी बोला जाता है। इसके लिए ये आपको ये फैक्ट याद रखना होगा। ठीक है, देन बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा मौर्य वंश है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 राजाओं का नाम चलता है। वो राजाएं हैं, सबसे पहला है चंद्रगुप्त मौर्य और जो है वो अशोका। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आपको एक और याद रखना है, जैसे बताया है कि प्रश्न में यूनानियों को भारत से किसने निकाला था। दोस्तों अंतिम यूनानी जो सेनापति थे वो थे हमारे सेलुकस निकेटर। कौन थे? सेलुकस निकेटर। इनका नाम आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। दोस्तों 4th क्वेश्चन जो है वो है, अशोक के शिलालेखों से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन है विदेश नीति, देन जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को 2 से 3 सेकंड तक आप वीडियो को पॉज करें, देन अपना उत्तर दें। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मींस उपरोक्त सभी, विदेशी नीति, जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, उपरोक्त सभी, विदेशी नीति, जीवन वृत्त, आंतरिक नीति। ठीक है, आपको तीनों ही ये याद रखने होंगे। सबसे पहले विदेशी नीति, फिर जीवन वृत्त, फिर आंतरिक नीति। ठीक है, इसके लिए आपको तीनों के तीनों याद रखने होंगे। ठीक है, देन बात करते हैं, जो भी ये हमारे अशोक के शिलालेख थे किस लिपि में लिखे गए थे? सबसे पहली भाषा है, लिपि है मगधी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी है पाली, डी है ब्रह्मी। दोस्तों इसके लिए आपको 2 से 3 सेकंड तक वीडियो को पॉज करना है, देन अपना उत्तर देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा और उत्तर दिया होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मी। कौन सी लिपि है? ब्रह्मी। दोस्तों अशोक के थोड़े से आधे जो शिलालेख हैं वो ब्रह्मी लैंग्वेज में लिखे गए थे, और आधे जितने भी बचे इसके, जैसे 8 थे, 4 जो थे वो ब्रह्मी लैंग्वेज में, और 4 जो थे वो थे खरोष्ठी लैंग्वेज। कैसे लिखते हैं खरोष्ठी? खरोष्ठी लैंग्वेज। ठीक है, देन बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? दोस्तों इसके लिए वीडियो को 2 से 3 सेकंड तक पॉज करें, देन अपना उत्तर दें। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन उत्तर दिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। दोस्तों अब तक्षशिला की यदि आपने मॉडर्न वर्तमान पोजीशन जाननी होगी, वो है हमारे पाकिस्तान।
मींस जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो है पाकिस्तान में रावलपिंडी में, ठीक है। देन नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, ये है पटना में। कहाँ है? पटना में। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में आपने और एक याद रखना इफेक्ट, वो इफेक्ट है, ये है रावलपिंडी पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ और जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि चंद्रगुप्त के जो गुरु थे हमारे आचार्य कौटिल्य विष्णुगुप्त जो थे वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, आचार्य थे, ठीक है। ये आपको फैक्ट याद रखना होगा, ठीक है। देन बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, देन चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। इसके लिए आपने सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, देन अपना उत्तर देना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। देन आपने एक और फैक्ट याद रखना है, दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्हीं के काल में जो है वो गुप्त साम्राज्य जो है वो स्वर्ण काल माना जाता है। ये आपको एक फैक्ट हो गया लर्न करने के लिए। और जो समुद्रगुप्त थे और इनके लिए एक फैक्ट याद रखना है, दोस्तों जो भारत के नेपोलियन इन्हें कहा जाता है, भारत के नेपोलियन, ठीक है। देन बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। दोस्तों सेवन्थ क्वेश्चन जो है वो है अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? सबसे पहला है गुप्त काल, देन मौर्य काल, सी है मुगल काल, डी है कुषाण काल, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, देन अपना उत्तर बताना है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर बताया होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, गुप्त काल। दोस्तों गुप्त काल के लिए आपने सबसे मेन जो राजा थे वो रखना है आपको, कौन से राजा थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त, ठीक है। देन मौर्य साम्राज्य के मौर्य साम्राज्य के थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के और क्या क्या नाम थे? विष्णुगुप्त कौटिल्य। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है। देन मुगल में से सबसे मेन राजा थे बाबर, हुमायूं, अकबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन बात करते हैं कुषाण, कुषाण के सबसे मेन राजा थे कनिष्क, कौन थे? कनिष्क, ठीक है। देन बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की। हमारा एट्थ प्रश्न है, एहोल शिलालेख किससे संबंधित हैं? सबसे पहले पुष्किन वन, पुलकेशिन वन, पुलकेशिन टू, हर्ष, देन खारवेल। इसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना होगा, देन अपना उत्तर देना होगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन उत्तर दिया होगा। दोस्तों इसका सबसे जो करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है पुलकेशिन सेकेंड। कौन थे? पुलकेशिन सेकेंड। देन बात करते हैं नाइन्थ प्रश्न की। दोस्तों नाइन्थ प्रश्न के लिए आपको जो प्रश्न है वो है, किसके शासनकाल में हनसांग भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त वन प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। दोस्तों इसके लिए आपको याद रखना होगा, जो हनसांग भारत में आए थे वो आए थे हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। इसके लिए आपको ये याद रखना है। देन बात करते हैं टेंथ प्रश्न की। टेंथ प्रश्न है, दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ था? इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है इल्तुतमिश, डी है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या याद रखना है? इल्तुतमिश। क्या याद रखना है? इल्तुतमिश, ठीक है। देन बात करते हैं इलेवंथ क्वेश्चन के। इलेवंथ क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उदारक प्रभुसत्ता संपन्न सुल्तान किसे कहा जाता था? कौन थे प्रभुसत्ता संपन्न सुल्तान? सबसे पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक,
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना होगा, देन अपना उत्तर देना होगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसके लिए आपको और ज़्यादा रखना होगा फैक्ट्स। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में आपको क्या क्या याद रखना है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संबंध में आपको याद रखना है पांच वंश जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। दोस्तों सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, ठीक है। देन सेकंड वंश है खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। फिर कौन सा आया? तुगलक वंश। फिर आया सैयद वंश। फिर आया कीजर। फिर आया लोधी वंश, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। इसके सबसे मेन राजा याद रखना है कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले मुसलमान हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत को हथियाने के लिए कौन आए थे? वो थे मोहम्मद गोरी। और जो मोहम्मद गोरी थे उनका जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक उनके गुलाम थे, तो ही इसका नाम गुलाम वंश पड़ा, ठीक है। देन बात करते हैं खिलजी वंश की। दोस्तों खिलजी वंश के सबसे पहले संस्थापक थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो थे वो अलाउद्दीन के चाचा थे। जे वाला डी ऑप्शन, अलाउद्दीन इसके चाचा थे, और अलाउद्दीन ने अपने चाचा जी को मारकर खिलजी वंश हथिया लिया। मीन्स इसका दिल्ली साम्राज्य जितना भी था वो इसने हथिया लिया, ठीक है। देन बात करते हैं तुगलक वंश की। दोस्तों इसके जो मेन थे वो थे, पहले थे मोहम्मद बिन तुगलक, और देन उसके बाद आए थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे वंश की, सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे मेन राजा था खिजर खां। कौन थे? खिजर खां। अब बात करते हैं लोधी वंश की, लास्ट लोधी वंश। लोधी वंश के सबसे मेन शासक थे बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद कौन आए थे? उनके पुत्र इब्राहिम लोधी। कौन आए थे? इब्राहिम लोधी। दोस्तों इसके बाद जो सबसे पहला वंश आया था गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। दोस्तों लोधी वंश के बाद सबसे लास्ट राजा कौन था? इब्राहिम लोधी। इसको हराकर बाबर ने अपने नए वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? वो था वंश हमारा मुगल वंश। कौन था? मुगल वंश। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन थी? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है रानी लक्ष्मीबाई, बी नूरजहां, सी रजिए सुल्तान, डी रानी रुद्रमा देवी। दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना होगा, देन उत्तर देना होगा। दोस्तों इसके लिए आपको जो आंसर सही है वो है रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान के संबंध में आपको और फैक्ट क्या क्या पता होना चाहिए? रजिया सुल्तान जो थी वो थी इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश की बेटी आपने पढ़ा है लास्ट स्लाइड में, मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश कौन था। इल्तुतमिश जो था वो हमारे खिलजी वंश का राजा था, और उसकी बेटी रजिया सुल्तान थी। दोस्तों उसके इल्तुतमिश के जितने भी बच्चे थे वो बेटे भी थे, बट बेटे निकम्मे थे और बेटे गद्दी संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उसकी एक बेटी थी जो अपने पिताजी की सेवा करते थे, और उसी सेवा का फल इल्तुतमिश ने उसे गद्दी देकर दिया, ठीक है। देन बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। दोस्तों 1857 का जितना भी विद्रोह हुआ था आपको सभी को पता है, ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे के विद्रोह के साथ, जिसमें सूअर और गाय की चर्बी
चढ़ती थी कारतूसों में, उसी के साथ ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। और जो झांसी में प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कौन थी? हमारी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के आपको पति का नाम याद रखना है, कौन थे? गंगाधर। कौन थे? गंगाधर। और इनके पुत्र का नाम रखना है याद, अनंत राव। कौन थे? अनंत राव। और नेक्स्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपको क्या याद रखना है? नूरजहाँ। नूरजहाँ कौन थी? शाहजहाँ की पत्नी। कौन थी? शाहजहाँ की पत्नी। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है अमुक्त माल्यद पुस्तक किसके, किस शासक के द्वारा लिखी गई थी? अमुक्त माल्य पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई थी? सबसे पहला ऑप्शन है कृष्ण देव राय, देन अकबर, देन बाबर, फिर रजिया सुल्तान। ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कृष्णा देव राय। इसका सही उत्तर है कृष्णा देव राय। कौन है? ऑप्शन कृष्णा देव राय। दोस्तों कृष्णा देव राय कौन थे? दोस्तों इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? कृष्णा देव राय ने। और अकबर बाबर, इनके बारे में आपको बता दिया। इनके बारे में जैसे ही हमारे लोधी वंश की ख़त्म हुआ था, इसके बाद शुरू हुआ था मुग़ल काल। मुग़ल काल का सबसे मेन राजा था बाबर। सबसे पहले बाबर ने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को मारा था, और इब्राहिम लोधी के मरने के बाद इसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की सबसे पहले आया बाबर। बाबर के बाद इसका पुत्र हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। फिर हुमायूं के बाद कौन आया था? अकबर। ठीक है, देन सीरीज चलती गई। और जे इतुतमिश की बेटी है रज़िया सुल्तान, इसके बारे में प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 14वें प्रश्न की। हमारा 14वां प्रश्न है पानीपत। दोस्तों पानीपत का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है, और इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे ये पूछे जाते हैं। कितने युद्ध हुए थे? 3 हुए थे। ये आपको आगे बताता हूँ, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, देन अपना उत्तर दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल 1526। ठीक है, प्रथम पानीपत युद्ध किस में और किस में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कौन थे? लोधी वंश के अंतिम राजा। और बाबर कौन था? मुग़ल साम्राज्य का प्रथम राजा। इनके दोनों के बीच हुआ था, और इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने जो है वो दिल्ली सल्तनत हथिया ली थी। ठीक है, और देन बात करते हैं सेकेंड पानीपत युद्ध की। दोस्तों सेकेंड पानीपत युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। ठीक है, किसके और किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था कि कहाँ हुआ था? पहले हुआ था 1556 में। ठीक है, 1556 में हुआ था, और किसके और किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, तीसरा पानीपत युद्ध किसके और किस में हुआ था? वो हुआ था अफगान और मराठाओं के बीच में। अफगान और मराठाओं के बीच में कब हुआ था? 1761। ठीक है, सॉरी 1761 में। ठीक है, देन बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। पढ़िए 15वां क्वेश्चन क्या है। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? क्या है क्वेश्चन? मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है लाहौर, बी है ग्वालियर, सी है दिल्ली, डी है आगरा। दोस्तों इसके लिए वीडियो को पॉज करें, देन अपना उत्तर दें। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है आगरा। क्या है? आगरा। ठीक है,
दोस्तों मोती मस्जिद जो है वो है लाल किले के बीच में स्थित है, मोती मस्जिद। ठीक है, देन बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन के बारे में आपको पढ़ो। सबसे पहले 16th क्वेश्चन क्या है, लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, शिवाजीराव, बालाजी, विश्वनाथ। वीडियो को पॉज करें, देन अपना उत्तर बताएं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया आज के 16 प्रश्न। 16 प्रश्न में हमने प्रश्न कम डिस्कस किए, एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा डिस्कस किए। दोस्तों ये खूब खूब आपको प्रश्न देखने को नहीं मिल सकते बिकॉज दोस्तों हो सकता है कि फैक्ट में से आपको प्रश्न आ जाएं। मैंने सोचा कि इस प्रकार से जो है वो आपकी तैयारी अच्छी होगी। जैसे 16 प्रश्न में हमने ये मकसद नहीं था कि हमने 16 ही प्रश्न डिस्कस करने हैं, 16 हमने डिस्कस किए और 16 के साथ साथ हमने 3 से 4 फैक्ट हर एक क्वेश्चन के डिस्कस किए। देन आपके 16 करते करते 30 से 40 प्रश्न ऐसे बन गए और ऐसे डिस्कशन से आपको याद भी हो गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद हुई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक कर सकते हैं बिकॉज आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो रीच होनी चाहिए दोस्तों। और आपको यदि ये वीडियो में कुछ भी बदलाव और चाहिए या फैक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए, वो भी बता देना। मैं आगे से जितने भी वीडियो लाऊंगा उसमें फैक्ट नहीं एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप नहीं चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियो देखना और इस वीडियो को देखना, अंतर देखना। और यदि आपको फैक्ट इस वीडियो के अच्छे नहीं लगे, आपको कहानियाँ अच्छी नहीं लगी, देन मुझे बता देना और मैं अगली बार कहानियाँ आपको नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, यदि आपको अच्छी लगी देन कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।